हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं RVNL, IRFC और इरकॉन शेयर के ऊपर। तीनों ही स्टॉक में एक अच्छा गिरावट देखने को मिला, तो चलिए इन डिटेल में समझते हैं जो गिरावट किस लेवल तक हो सकता है, क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और हम लोगों का आगे क्या प्लान होना चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना है। यहाँ पे अगर बात करेंगे RBNL शेयर के ऊपर, स्टॉक में आज जो है हम लोगों को 3.5% का एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। इनिशियली स्टॉक गैप अप ओपन हुआ, ऊपर जाने का कोशिश किया, ऊपर गया भी, बट उसके बाद ऊपर के लेवल से एक जबरदस्त गिरावट हुआ। फाइनली स्टॉक जो है ऑलमोस्ट अपने डे के लोअर साइड पे ही क्लोज हुआ है। तो चलिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको लगातार हम लोग इम्पोर्टेंट अपडेट्स को पोस्ट करते रहते हैं। जिस किसी भी चार्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेकआउट आने वाला है, कहीं पे मल्टी ईयर ट्रेड सेटअप बन रहा है या फिर किसी स्टॉक में एक अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है या फिर कोई स्टॉक अपने ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट कर रहा है, सभी स्टॉक्स के ऊपर, सभी न्यूज़ के ऊपर हम लोग लगातार पोस्ट करते रहते हैं, जिससे कि आप तक मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पहुंच सके इजी वे में। इसके साथ ही अगर आप लोग प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पे कि आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए कॉल्स मिलेगा, FNO का स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर कैश का स्विंग ट्रेडिंग हो, दोनों के लिए ही आपको कॉल्स मिलेगा। कौन से स्टॉक में एंट्री लेना है, किस लेवल पे एंट्री लेना है, क्या स्टॉप लॉस होने वाला है, क्या टारगेट होगा, कहाँ पे आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, कहाँ पे आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे फुल प्रॉफिट बुक करना है, पूरा डिटेल में आपको एक एक पॉइंट बताया जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, बस आपको अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो आप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप का लिंक जो है आपको पिंड मैसेज में मिल जाएगा, सारा डिटेल पिंड मैसेज में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जून मंथ का परफॉर्मेंस मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं जो कैसा परफॉर्मेंस रहा, किस टाइप का ट्रेड रहा, कौन कौन से स्टॉक्स हुए, कितना मूवमेंट हुआ, सारा डिटेल में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इनकेस अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो आप टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो है एनरोल कर सकते हैं, सारा डिटेल आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप FNO को ही ओनली ट्रेड करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियम FNO ग्रुप को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए जुड़ सकते हैं। बस आपको तीन लिंक मिलेगा, जीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल वन, तीन में से किसी एक में अकाउंट ओपन कीजिए, वहां पे ट्रेड कीजिए और ट्रेड करने के बाद आप अपना डिटेल शेयर कर दीजिए, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं RVNL के शेयर के ऊपर। RVNL के शेयर में अगर देखेंगे, आज सेकेंड हाफ में इस स्टॉक में एक बड़ा ट्रेड हुआ है, 827 करोड़ का जो है ये आपको ट्रेड हुआ है, 1.4 करोड़ शेयर्स जो है वो आपको एक्सचेंज हुआ है। अब यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का जो है अभी डेटा नहीं आया है, 585 के लेवल पे जो है ये आपको ट्रांजेक्शन हुआ है, 0.7% इक्विटी शेयर्स जो है यहाँ पे आपको ट्रांजेक्ट हुआ है। जैसे इसका डिटेल आएगा हम लोग जो है जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। अगर हम लोग दूसरे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे तो RVNL जो है वो आपको इरकॉन और इरकॉन के साथ साथ और भी तीन चार स्टॉक कंपनी, टीटागढ़ रेल सिस्टम, टेक्समेको रेल, राइट्स, जुपिटर वेगन और इनको इरकॉन, इन सभी स्टॉक्स से भी बड़ा स्टॉक, ये बड़ा कंपनी जो है ये आपको हो चुका है। इनफैक्ट अगर बात करेंगे RVNL जो है आपको 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस कर चुका है और रेलवे सेक्टर में जो है सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन इस स्टॉक का आपको देखने को मिलेगा। तो लगातार जो है RVNL के शेयर में एक शानदार तेजी देखने को मिल रहा है, बट आज स्टॉक में गिरावट हुआ है।
और गिरावट यहाँ पे हो सकता बिल्कुल जो है आपको कोई भी आश्चर्य वाला गिरावट नहीं है। क्यों आश्चर्य वाला गिरावट नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे लो लगाया था 424 का, इस लेवल से बाइंग स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे हाई लगाया 619 का, तकरीबन ऑलमोस्ट 200 पॉइंट, यानी कि 50% का मूवमेंट 3 ट्रेडिंग सेशन में। इनफैक्ट अगर बात करेंगे तो ये 2.5 ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि आज मॉर्निंग में ही तेजी हुआ, उसके बाद स्टॉक में गिरावट हुआ। तो अगर आपको यहाँ पे 50% का तेजी मिलेगा तो डेफिनेटली लोग ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुक करेंगे। साथ ही साथ बहुत से लोगों को लगेगा जो ऑलरेडी स्टॉक बहुत रन अप कर गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट भी करेंगे। इसी वजह से जो है स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। 23rd of July को बजट भी है, तो बजट से पहले थोड़ा सा लोग जो है अपने पोजिशन को हल्का भी करेंगे, अपने पोजिशन को एडजस्ट करेंगे। और बजट से पहले रेलवे, एग्रीकल्चर और डिफेंस, इन 3 सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक में जो है आपको एक अच्छा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो आप यहाँ पे होल्ड करके रखें। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और गिरावट का वेट कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा और गिरावट हो जाए उसके बाद जो है यहाँ पे 500 के लेवल के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पे वापस से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है IRFC। IRFC ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था कल के सेशन में। अगर देखेंगे स्टॉक 200 के लेवल के ऊपर सस्टेन किया और यहाँ पे स्टॉक ने एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक बना था कप और एक बना था हैंडल, इसका ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने। ब्रेकआउट देने के बाद अगर देखेंगे आज वापस से स्टॉक जो है 200 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दिया है, लेकिन यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, तो हम लोग इसको एक रिट्रेसमेंट मूव के लिए ले सकते हैं। अभी स्टॉक निगेटिव टर्न नहीं हुआ है। नीचे की साइड से अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है स्टॉक जो है बियरिश मोमेंटम के लिए नहीं जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को वेट करना होगा। एक बार स्टॉक वापस से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या फिर 200 के लेवल के ऊपर निकलना स्टार्ट कर देगा तो स्टॉक में एक अच्छा तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। स्टॉक 250-300 की तरफ निकल सकता है। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे। लास्ट स्टॉक है इरकॉन। इरकॉन के शेयर में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। स्टॉक जो है यहाँ पे क्लियरली 300 के लेवल के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट जो उनको आज स्टॉक ने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद अगर देखेंगे तो नीचे के लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक हुआ है, जिसका मतलब यहाँ पे बायर्स जो है वो आपको इंटरेस्टेड है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग इस स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ पे जो है हम लोगों को नीचे के लेवल से एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब है जो स्टॉक जो है यहाँ पे आपको नीचे के लेवल से 300 के लेवल से यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है इस स्टॉक को बाय करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है बाई कर सकते हैं। जितने भी लोग इस स्टॉक में वेट कर रहे हैं बाई करने का, वो लोग जो है इस स्टॉक को यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ऊपर की साइड में जो है हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्टॉक जो है ऊपर की साइड में से 5400 की तरफ वापस से निकल सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।